हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यानी किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना लिया हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू पे है पॉइंट ई, पी आर पे है पॉइंट एफ। इसे ज्वाइन कर दें तो सेगमेंट मिल गया ई एफ। और हमें प्रूव करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। बीपीटी में हमने देखा, जो हमारी थेल्स थ्योरम थी उसमें हमने देखा था कि अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल होता है तो इन साइड्स का रेशो जो है वो सेम होता है। तो अब यहाँ हमें उल्टा प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करेंगे कि अगर इन साइड्स का रेशो जो है वो सेम है तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। यानी काम वही करना है, बस कन्वर्स वे में। तो देखें, फर्स्ट केस को ट्राई करें। तो पी ई अपॉन ई क्यू, पहला रेशो हम ये निकाल लेते हैं। तो पी ई अपॉन ई क्यू क्या हो गया, 3.9/3। तो ये वैल्यू आ गई 1.3। अब चेक करते हैं हम हमारे पी एफ, यानी ये रेशो, ये साइड अपॉन ये साइड, पी एफ अपॉन एफ आर। तो वो कितना है हमारे पास, 3.6/2.4। ये रहा 3.6 और ये है 2.4। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आया, ये हो गया 3/2 और यहाँ मिला 1.5। अब हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये 1.3 और 1.5 जो हैं ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा पी एफ पी ई जो है और अपॉन ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देयरफोर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि ये उसके इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए हमारा ये जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं हो सकता। क्लियर। आप ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। इस बार हमें पी ई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वही पी ई अपॉन क्यू ई, उसे निकालें तो 4/4.5। इसे सॉल्व करें, डेसिमल जाएगा तो ऊपर हो गया 40/45 और इसे सॉल्व किया तो मिला 8/9। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा सेकंड रेशो, यानी सेकंड रेशो कौन सा हमारा, पी एफ अपॉन आर एफ। पी एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर और आर एफ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 8/9। अब यहाँ दोनों केस में हमें 8/9 मिल रहा है, तो इट मीन्स सिंस पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ, देयरफोर क्योंकि रेशो सेम आ गया तो क्या होगा, ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। यानी इस केस में ये पैरेलल हो गया। अब थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस में हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई 0.18 और पी एफ 0.36। तो इसको समझने के लिए हम फिर से यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमारा ये है ट्राइंगल पी क्यू आर और ये हमारे पॉइंट्स ई एफ को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट ई एफ। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है पी क्यू, तो इस बार देखो पी क्यू यानी पूरी की पूरी साइड हमें दी हुई है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर यानी यहाँ भी पूरी ये साइड दी हुई है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई यानी ये इतना पार्ट 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ यानी ये पार्ट 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो नीचे वाला पार्ट नहीं दिया या कुछ, हम यहाँ छोटे पार्ट को उसके होल पार्ट से कंपेयर करेंगे, उसका रेशो निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर हम करेंगे पी ई अपॉन पी क्यू, यानी छोटे पार्ट का पूरे उसके होल जो पार्ट है उससे रेशो निकाल रहे हैं।
तो PE है हमारा 0.18 और PQ है 1.28। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 9/64। अब इसी तरह से हम सेकंड उसमें PF ले लेते हैं और उसका कंप्लीट पार्ट कौन सा है हमारा PR, कंप्लीट साइड है PR, तो PF यानी 0.36 और ये नीचे आ गया 2.56 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ भी 9/64, यानी दोनों बार हमें रेशो सेम मिल गया। अब फिर वही सिंस PE/PQ इज इक्वल टू PF/PR, therefore EF is parallel to QR, clear? तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने हर बार हमारा converse of BPT जो है वो use किया और prove किया कि अगर ratio same है तो इसलिए EF जो है वो QR के parallel हो गया। तो अब इन questions की और इस type के और questions की अच्छे से practice कीजिए, मिलते हैं एक और video में, तब तक Keep practicing and enjoy maths.